तो कल हमने ये देखा था कि इसमें डार्क टोन, मिडिल टोन और जो लाइट टोन है वो क्या देनी है। तो मैंने नोज पे थोड़ा सा ऑफ कैमरा ही काम कर लिया, तो क्लास के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नोज को शेड किया है, जैसे हमने नोज सीखा था वैसे ही नॉर्मल नोज बनाया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी डार्क टोन दी है हल्की सी, और यहाँ भी, ठीक है, ऐसे करके, और थोड़ा सा मैंने स्मज भी किया है विद माय फिंगर। तो चारकोल अगर आपने पहले यूज किया है तो वो बहुत जल्दी फैलता है, तो वो मैंने शेड करने के लिए हल्का सा तो इसको स्मज किया है। कई बच्चे क्या कहते हैं, धीरे 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 करके पहले बनाएंगे ऐसे, ठीक है, कई तो डॉट से बनाते हैं, मेरी भी आदत थी ये, डॉट से बनाया फिर उसको आउटलाइन किया ऐसे धीरे करके, ये नहीं करना, ठीक है, सीधा सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करनी है एक ही बार में। मुझे ये ऐसे डॉट करके नहीं चाहिए, मुझे दोबारा, अगर एक बार नहीं बना तो दोबारा बनाओ, ठीक है। जब स्केचिंग प्रैक्टिस करनी है तो ये मेथड है मेन स्केचिंग करने का, आप नीट एंड क्लीन बना लोगे पर आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होगी। जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपने एक शीट लेनी है, उसको फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर वहां पे लाइंस लगानी है, ट्राई करो वो न्यूज़पेपर पे करनी, या तो न्यूज़पेपर ले लो या फिर ऐसी शीट्स ले लो जैसे रिम होती है ना फोटोस्टेट वाले पेपर की, वैसे ले लो और ये प्रैक्टिस करो। यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ यहाँ पे और सीधा इसको ज्वाइन करने का ट्राई करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये लाइन सीधी ड्रॉ करनी। जब सीखोगे आपकी लाइन वीक नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, कई लाइन ऐसे बनाते हैं ऐसे करके, धीरे 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 लगे हुए हैं लाइन बनाने, कितनी वीक लाइन है ये, ठीक है, वीक लाइन नहीं चाहिए हमें। अभी जैसे इस साइड से इस साइड गए हैं वैसे ही ऐसे जाओ नीचे, ये न्यूज़पेपर पे कर लो, चाहे नोटबुक पे कर लो, डायगनली जाओ, ठीक है, पेंसिल को दूर से पकड़ के करो ऐसे जाओ, कितनी सारी प्रैक्टिस एक ही पेज में हो गई ना, कुछ भी नहीं किया, इसी से ही आपकी लाइन स्ट्रांग होगी। तो ये प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है, ये रोज करनी है। अगर आपको स्कूल का काम ज्यादा लगता है तो आई डोंट थिंक सो कि इसको करने में आपको 1.5 दिन लग जाए, ठीक है, ये 2 मिनट का काम है, मैंने अभी जस्ट ये किया, ठीक है, ये करो। नेक्स्ट पे क्या करो, सर्कल बनाने का ट्राई करो, सर्कल जैसे पहले सिखाया था। अभी आपको मैं कहूँ ना आप एक सर्कल बनाओ, आप लग जाओगे, पहले तो कड़ा ढूंढोगे, कड़ा कहाँ गया हमारा, ठीक है, वहां पे गोल ऐसे ना पूरा ऐसे धीरे धीरे करके ना, बड़े प्यार से करते हैं सारे ये, धीरे धीरे करके ऐसे डॉट्स लाएंगे, फिर उसके बाद उसको आउटलाइन करेंगे। मुझे भी ऐसे ही सिखाया था मम्मी पापा ने, ठीक है, सभी के मम्मी पापा ऐसे ही सिखाते हैं, तो वो बेसिक स्टेज है। अभी हमने अपना हाथ खोलना है, तो पहले जैसे आपका ऐसे बना, ठीक है, ट्राई करो अपने जो अपनी रिस्ट है अपनी आर्म है उसको मूव करने का ट्राई करो, ठीक है, जितना मूव कर सकते हो। तो पहले दिन भी जब हमने प्रैक्टिस करी थी वहां पे भी बच्चे ना ऐसे धीरे धीरे करके जीरोस बना रहे थे, बड़े लाइन में बना रहे थे कि हाँ हम दिखाएंगे मैम इम्प्रेस हो जाएंगी, तो हमने बड़े नीट एंड क्लीन वे से ना यहाँ पे जीरो बनाए, ये नहीं चाहिए, दिस इज नॉट द वे, दिस इज द वे, इसको जितना मर्जी गंदा निकालो, ठीक है। स्केचेस बनाते हो बहुत अच्छी बात है,
आई अप्रिशिएट इट, आप बहुत अच्छे स्केच बनाते हो, पर द थिंग इज ये कड़वी सच्चाई है, पहले आपके बेसिक्स जो हैं ये वाली प्रैक्टिस, जब तक आपकी लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होती स्केचेस की तरफ मत भागो, ठीक है? पहले अपनी लाइन को स्ट्रॉन्ग करो। हम ठीक है, हम धीरे धीरे करके जब रियलिस्टिक बनाते हैं तो धीरे धीरे वाला काम भी आता है। तो जब ये जो हमने पोर्ट्रेट स्टडी करी थी ना इस पे, इसमें धीरे धीरे वाला काम नहीं था, इसमें हमने क्विक करी थी, धीरे धीरे हल्की सी शेडिंग, हल्की डिटेल करी थी। इस पे ये लाइन देखो, इस लाइन में कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक मारिए लाइन, बिना अपने आप पे शक करें, डर निकाल दो कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, ठीक है, या पाऊंगी। पहली बात, इसमें डर नहीं होना चाहिए। जो लाइन आएगी, लाइन बना रहे हो, उसमें डर नहीं होना चाहिए। और एक और प्रैक्टिस है, ये भी आपको बताया था, ये फ्री हैंड करने का ट्राई करो। अभी कहीं से ये परफेक्ट नहीं बनेगा, मेरे से कैसे बन रहा है फिर स्पाइरल्स? न्यूज़पेपर पे करो, ठीक है, जो मर्जी करो, ओके। चारकोल, सॉफ्ट चारकोल, कैमलिन की आती है ये, ठीक है, 50 रुपीज की 3 पेंसिल्स आती हैं, एक हार्ड, मीडियम और एक सॉफ्ट। मेरे पास हार्ड और सॉफ्ट है, मीडियम में यूज नहीं करती, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, जो सॉफ्ट है वो सबसे ज्यादा बेटर है अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो, ओके। और आप इसमें, आप, मैं कोई भी पेंसिल लेने के लिए इंसिस्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मटीरियल डजंट मैटर, योर शेप एंड फॉर्म मैटर्स। ऑलवेज आपके दिमाग में यही होना चाहिए, मटीरियल सिर्फ आपको 10%, 10 भी नहीं, मेरे ख्याल से 5% हेल्प करता है। मटीरियल भी कहीं कहीं हमने बहुत लग्जूरियस काम करने हो तब हेल्प करता है, ठीक है। मैंने भी तभी ये लिया है, मैं आपको कभी फोर्स नहीं कर रही हूँ। आप सिंपल HB पेंसिल से ये प्रैक्टिस करके दिखाओ पहले, ये प्रैक्टिस आपने की है, आपने धीरे धीरे ये जो हमने सीखा था शेडिंग प्रैक्टिस, ठीक है, इसको करने में कितना टाइम लगा मुझे अभी? ये मैंने एक साइड पे इसकी ये शेडिंग प्रैक्टिस की है, ठीक है। मटेरियल के पीछे मत भागो, पहले परफेक्शन के पीछे भी मत भागो, पहले जो लाइन है उसको स्ट्रॉन्ग करो, ओके। एंड ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शेप्स बनानी है ना, तो शेप्स बनाने का ट्राई करो। क्यूब बनाया मैंने, 1 मिनट में बना दिया, क्योंकि मैंने लाइन की प्रैक्टिस करी हुई है, ठीक है। तो अगर हम पोर्ट्रेट भी बनाएंगे उसमें भी काफी सारी लाइंस आपको दिखनी चाहिए। इसमें कल भी आपको बताया था, यहाँ पे मेरे को ये लाइन दिख रही है, यहाँ पे मुझे ये स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये चीज दिख रही है, तो ये यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, तो मुझे दिख रही है, पर आपको नहीं दिख रही होगी कई बच्चों को, पर वो देखने का ट्राई करो। एक फेस में शेप्स ढूंढो, उसको शेप में ब्रोक करके अपने कैनवस पे लाओ, शीट पे लाओ, ठीक है। और ये जो शेप है, जैसे मैंने कल आईब्रो का शेप पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है, ऐसे किया था ना मैंने, तो वैसे ही आपको चीजों को देखने का नजरिया वो चेंज करना पड़ेगा, फिर आपसे कुछ होगा। कई बच्चे मायूस हो जाते हैं कि मुझे, मेरे से तो बन नहीं रहा मैम, मैं क्या करूं? कोई डरने की जरूरत नहीं है, सबका बिगिनिंग टाइम आता है, सबकी जो प्रैक्टिस का टाइम आता है, आपने ये प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ना कि परफेक्शन में, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, इसको करना स्टार्ट कर दो रोज, चाहे कुछ और ना बनाओ, ये करना स्टार्ट कर दो, ये लाइंस बनानी स्टार्ट कर दो, ठीक है। और एक और चीज, जैसे
मेरे पास ये लिप बाम पड़ी है, ठीक है। अभी मैं इसको जैसे स्टिल लाइफ ड्रॉ करते हैं, तो मैं इसको स्टिल लाइफ में ड्रॉ करने का ट्राई करूंगी कि ये कैसे ड्रॉ हो सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप बिगिनिंग स्टेज पे हो। तो मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, चाहे वैसा लग भी नहीं रहा, फिर भी मैंने ट्राई किया कि यहाँ पे जी ढक्कन है, यहाँ पे इसकी बॉडी है, ये बन गया। कोई मैंने लेबलिंग नहीं की, कुछ नहीं की, ये माउस पड़ा है, ठीक है, आपको ये टॉप ऑफ द व्यू से दिख रहा होगा, मुझे जैसे दिख रहा है मैंने वैसे बनाया। मैंने इसको पहले इसकी शेप बनाई, फिर यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, ये है यहाँ पे, ठीक है। शेडो थोड़ी सी दिखा देंगे कि शेडो कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ है, ठीक है। तो ये चीजें प्रैक्टिस की होती है, ठीक है, और इसकी शेडो जो पीछे है वो यहाँ पे बन रही है। तो मैं ट्राई करूंगी कि वो बन जाए। ये नहीं है कि हमने एक फोटो निकाली, उसके वो पॉट बना हुआ है, उसमें फ्लावर्स रखे हुए हैं, तो वो स्टिल लाइफ कर रहे हैं, नहीं, पहले इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये रफ सा, कुछ मैंने वो नहीं किया, ठीक है, यहाँ पे मुझे शेडो दिख रही थी, मैंने रफ बना दी, वैसी बनी भी नहीं। तो ये चीजें करो जितनी हो सके। अभी मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ वो अगर आपको दिखाने लग जाऊंगी ना, तो कहोगे क्या है मैम, ये क्या बनाया आपने, ये क्या गंद डाला है। तो गंद डाल के ही अच्छी चीजें बनती हैं, ठीक है, ये मत कहो। ये कल रात को मैं थोड़ी परेशान थी तो मैं ये बना रही थी, देखो अब इसमें क्या है क्या चित्रकला की है मैंने इसमें, ठीक है, ये बनाना सीख रही थी मैं, क्या है इसमें। तो ये देखो, ये भी बनाया था, ये थोड़ा अच्छा है, अच्छा भी नहीं कह सकते, ये मैं अपना लैपटॉप बना रही थी, ये मैं मग बना रही थी, ठीक है, ये मैंने माउस बनाया था कल रात को, कल रात के 1:30 बजे ये कर रही थी। तो आपका हाथ चलते रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, क्या बना रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका हाथ। ये इसको थोड़ा प्यार करोगे, इसके साथ टाइम बिताओगे, पेंसिल आपकी फ्रेंड बनेगी, तो आपका आपकी ड्राइंग अच्छी होगी, ठीक है। आज मैं भाषण ज्यादा दे रही हूँ, काम कम करा रही हूँ, पर ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके। तो अभी हम ये जल्दी से इसको देखेंगे, ठीक है, और इसके जो ये नेक पार्ट है हल्का सा हम ये बनाएंगे, ठीक है, इसको मैं हल्का सा डार्क कर दूंगी, कोई डिटेलिंग इतनी खास करने की जरूरत नहीं है, बस हमने इसको थोड़ा कंप्लीट वे में करना है, हल्की सी मैंने शेड कर दी ताकि ये कंप्लीट लगे, ठीक है, इसको मैंने इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, कभी भी कोई ड्राइंग को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस पे मैंने हल्का सा शेड कर दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया है, मेन हमने फेस पे फोकस करना था, नेक वगैरह बाद में देखेंगे, ठीक है, थोड़ी सी फिनिशिंग लुक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्विकली इट्स कम्प्लीटली ओके कि अगर आपसे ये ऐसा नहीं बन रहा है जैसे मैंने बनाया है, ठीक है, कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक एक्सपेरिमेंट था, एक पेंसिल है, पेपर है, तो उस पर प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। तो यहाँ पे मुझे डार्क टोन दिख रही है, मैं डार्क टोन कर दूंगी जल्दी से, ठीक है, क्विकली करना है। अभी ऐसे है कि हमने ये क्विकली क्यों करना है, ये क्विक स्केचिंग क्यों है, इसका नाम ही क्विक स्केचिंग है। तो आगे जाके अगर आपने आर्ट फील्ड में अपना करियर भी बनाना है, कईयों ने सोचा होगा, ठीक है, कईयों ने नहीं भी बनाना, कईयों की हॉबी है आर्ट,
जिन्होंने करियर बनाना है तो उनको स्पीड से काम करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्पीड से काम नहीं करोगे तो अगला बंदा किसी और के पास चला जाएगा उसी टाइम में। अगर एक बंदे ने लोगो बनाने को कहा, दूसरे ने 15 मिनट में बना के दे दिया, ठीक है, एक ने 15 मिनट में बनाया, दूसरे ने 5 मिनट में बना के दे दिया, ओके, एक एग्जांपल है, तो 5 मिनट वाले की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, उसने ज्यादा काम किया कम टाइम में। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने आर्ट फील्ड में जाना है, ठीक है। ठीक है, मैं भी रियलिस्टिक पे पूरा टाइम देती हूँ, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं, ओके। तो ये क्विक स्केचिंग पर हमने जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट करनी है, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करना। आज मैंने यही बताया कि प्रैक्टिस कैसे करते, ठीक है, हमने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, आप बहुत प्यारी ड्राइंग करते हो सभी।